आप देख रहे हैं UMH News। राजधानी लखनऊ में कोरोना काल व लॉकडाउन के बीच गरीबों की मदद के लिए अग्रवाल समाज ने बढ़ाया हाथ। अग्रवाल समाज द्वारा कोरोना मरीज उनके तीमारदारों व गरीबों को खाना वितरित कर रहे हैं। नाका थाना क्षेत्र मोती नगर में बने महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में डेली 550 थालियां की जा रही वितरित। कमिश्नर DK ठाकुर नाका थाना क्षेत्र में बने महाराजा अग्रसेन स्कूल में खुद पहुंचकर किया कम्युनिटी किचन का निरीक्षण, साथ ही यहां भोजन भी किया। लगातार अग्रवाल समाज द्वारा लखनऊ के मेडिकल कॉलेज लोक बंधु साथ ही ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी मिलते हैं उन्हें भी ये मारवाड़ी थाली का भोजन दिया जाता है। अग्रवाल समाज का कहना कि ये पैकेट स्विगी के माध्यम से होम डिलीवरी भी की जा रही है। ये देखिए अग्रवाल समाज की ओर से निःशुल्क मारवाड़ी थाली सेवा प्रतिदिन की जा रही है। जैसा मुझे बताया गया है कि प्रतिदिन प्रातः और प्रतिदिन सायं करीब 550 से 600 लोगों को निःशुल्क मारवाड़ी थाली उपलब्ध कराई जा रही है। खास करके जो यहाँ मुख्य अस्पताल हैं, KGMU हैं, सिविल हैं, PGI हैं, उसमें भेजा जा रहा है। इसके अलावा और भी जो लोग हैं जहाँ जिनकी आवश्यकता होती है उनको दे रहे हैं। ये स्वयं इनकी अपनी सेवा है, अपने समाज की तरफ से है। इनके समाज के, इनके घर के लोग, महिलाएं, पुरुष सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लोगों को पहुँचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है। आज के कोरोना काल में जब जो आपदा से हम लोग गुजर रहे हैं, इस आपदा में कोई भाई भाई को नहीं देख रहा है, माँ बाप को नहीं देख रहा है, छोड़ के चले जा रहे हैं। आप ऐसी कई कहानियाँ, कैसी संकट वाली स्टोरी आपने खुद की होगी, उस समय में एक समाज सामने आ रहा है, लोगों को खिला रहा है, इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई और नहीं हो सकता है। मैं इनके कार्य की सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इनके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से समाज के, लखनऊ के और लोगों से भी आग्रह करता हूँ, वो भी समाज सेवा के क्षेत्र में कोरोना के समय में आगे आए, जो उनसे बन पड़े वो सेवा समाज की करें। मैं अनिल अग्रवाल, हम लोग अग्रवाल समाज से हैं और ये कम्युनिटी किचन की शुरुआत तो काफी दिनों से चल रही थी और हम लोगों ने कमिश्नर साहब को आग्रह किया था, तो आज उन्होंने अपना समय दिया और आने के बाद सबसे अच्छी चीज है कि जो भोजन यहाँ पर बना है, जो थालियों में पैक होके जा रहा है, जिसमें आज का जो मेन्यू है वो कढ़ी चावल सब्जी आलू परवल की और रोटी, उन्होंने इसको यहाँ पर उसका प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण भी किया और बहुत तारीफ करी है। क्योंकि भोजन जो हम लोगों का बन रहा है वो शुद्ध देसी घी में और बगैर प्याज लहसुन का है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, एक उत्साहवर्धन होता है समाज के लोगों का जब किसी अधिकारी और वो भी DK ठाकुर जी जैसे, जो कि बहुत सम्माननीय है, बहुत नेकदिल इंसान है, और जब वो सराहना कर रहे हैं तो एक खुशी मिलती है। यहाँ पर लगभग सवेरे 550 थालियाँ और शाम को 550 थालियाँ जो है बनाई जाती हैं, जिसमें लगभग 200 से 250 थालियाँ स्विगी जिनी के माध्यम से जा रही हैं और 300 थालियों को हमारे ही समाज के लोग विभिन्न हॉस्पिटल्स जो है, हमारा KGMU है, बलरामपुर है, सिविल है, लोक बंधु है, राम मनोहर लोहिया है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो अपनी गाड़ियों से लेके जाते हैं। उसके साथ में पानी की बॉटल रखते हैं। ये कोविड पेशेंट्स और उनके तीमारदार जो हैं, खासतौर से क्योंकि दिक्कत तीमारदारों के लिए ज्यादा होती है, कोविड का जो पेशेंट है उसको तो हॉस्पिटल भोजन प्रोवाइड कर रहा है, तीमारदारों के लिए भोजन को अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। और खाना शुद्ध है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बना हुआ है, बहुत ही शुद्ध और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। देश व प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल UMH News को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, एवं UMH News पर विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 9528 4130 80 पर।